उनके कब्जे में आपकी क्रिप्टो होती है। अगर वो चाहें तो आपकी क्रिप्टो कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यही तो मेन एसेंस है क्रिप्टो करेंसी का कि आपकी मनी को कोई फ्रीज नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज जो है वो सेंट्रलाइज है, उनका एक सीईओ होता है। अगर आप इस बात से परेशान है कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है और एक्सचेंज क्या होती है क्रिप्टो के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वॉलेट के पीछे नहीं जाना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है और क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होती है और ये कैसे काम करते दोनों। तो दोस्तों, जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है, जैसे कि उसके नाम से ही मशहूर है कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट, मतलब वो किसी और की कस्टडी में नहीं है, वो टोटली आपकी कस्टडी में है। जैसे कि हमारे पास होता है मेटामास्क, तो मेटामास्क और कॉइन डेस्क के जो वॉलेट्स हैं ये नॉन कस्टोडियल है। जैसे कि हमारे पास एलिपाल का है, या आप लेजर में चले जाएं, जितने भी वो वॉलेट्स हैं जो टोटली आपके कंट्रोल में होते हैं, किसी एक्सचेंज के कंट्रोल, किसी थर्ड पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, उसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, ठीक है। और जो एक्सचेंज होती है वो कस्टोडियल होती है, कि एक्सचेंज आपकी क्रिप्टो अपने पास महफूज रखती है आपके बिहाफ के ऊपर। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज जो है वो सेंट्रलाइज है, उनका एक सीईओ होता है। जैसे कि हमारे पास जो वो है बाइनेंस है, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों। तो ये आपकी क्रिप्टो अपने पास रखते हैं कस्टडी में। यहाँ से साबित हो गया नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, जहाँ पे कोई भी आपकी क्रिप्टो कस्टडी में नहीं रखता, लेकिन जो एक्सचेंज होती है उनके कब्जे में आपकी क्रिप्टो होती है। अगर वो चाहें तो आपकी क्रिप्टो कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन नॉन कस्टोडियल वॉलेट में आपकी क्रिप्टो कोई ब्लॉक नहीं कर सकता और आपके कंट्रोल में होती है फुली। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है नॉन कस्टोडियल वॉलेट में और बाइनांस या किसी भी और एक्सचेंज में। मोस्टली एक्सचेंजेस जो है ना सेंट्रलाइज है, अगर वो चाहें किसी भी वजह से आपकी क्रिप्टो करेंसी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ी अमाउंट आप एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं जिसको आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना होता है। ज़्यादा अमाउंट बड़ी करेंसी जिसको फॉर एग्जांपल 10,000-20,000 आप लोग हमेशा नॉन कस्टोडियल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रखते हैं, ताकि किसी भी इवेंट में आपकी क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज ना किया जा सके, आपके कंट्रोल में हो। यही तो मेन एसेंस है क्रिप्टो करेंसी का कि आपकी मनी को कोई फ्रीज नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, नॉन कस्टोडियल वॉलेट इंपॉर्टेंट है जब आपकी मनी ज़्यादा हो, आप उसका फुल कंट्रोल चाहते हो। और जो एक्सचेंजेस हैं वो आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो और आपको फ्रीक्वेंटली उसको ट्रेड करना हो, सेल या बाय करना हो। तो दोस्तों, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इमेजिन करो, टीच करो दूसरे लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है, और इल्म को फैलाओ जितना फैला सकते हो। अपना ख्याल रखना, इस वीडियो के ऊपर लाइक क्लिक करके इसको बूस्ट दे दें इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर नहीं तो नो इशू। अगर आपको पसंद नहीं आई तो इस वीडियो को डिसलाइक करना ज़रूर, क्योंकि ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी वीडियो मैं गलत या ख़राब बना रहा हूँ, ताकि मैं वो वाली वीडियोस और ना बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।